बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज। प्राणधार आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि किस तरह श्री देवचंद्र जी के मन में 11 वर्ष की उम्र में अध्यात्म जगत के वे मूल प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन है। वर्तमान में दुनिया की जनसंख्या 8 अरब की है लगभग, और इन 8 अरब में 99.99% लोग ऐसे होंगे जो जन्म लेते हैं और यंत्रवत जीवन जीते हैं। यंत्रवत का तात्पर्य क्या है? यंत्र कहते हैं मशीन को। मशीन में प्रोग्राम फिट कर दिया जाता है और जो कमांड उसको दिया गया है उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। सोचता समझता नहीं है, उसके अंदर भावनाएं नहीं होती है। मनुष्य में और मशीन में केवल फर्क है कुछ भावनाओं का, लेकिन मनुष्य यंत्रवत इसीलिए जी रहा है क्योंकि उसकी जो भावनाएं हैं वो भी सीमित है, उसके विचार भी सीमित हैं। मनुष्य सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? भोजन सबसे पहले खाने के बारे में सोचता है, दूसरा सोचता है शयन के बारे में, सोना, तीसरा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचता है, और चौथा अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। इन चारों चीज़ों से हट करके दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, विरले ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में ये प्रश्न आते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, क्या मेरी पहचान यही है। तो ये प्रश्न देवचंद्र जी के मन में आया और उसके उत्तर की खोज में निकल पड़े हैं। 11 साल की उम्र से 16 साल की उम्र तक 5 वर्ष तो अपने ही गांव में खोज करते हैं, अपने आसपास के क्षेत्र में खोजते हैं, अलग अलग साधु संतों से मिलते हैं, और इतने पर भी उनको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो कच्छ जाने के लिए निकलते हैं। कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। आपने कच्छ के रण के बारे में सुना होगा, रेगिस्तान के बारे में, भुज के बारे में सुना होगा। तो वहाँ जाने के लिए देवचंद्र जी निकले हैं। रास्ते में एक सिपाही के वेश ने दर्शन दिया है, सिपाही के वेश में अक्षरातीत ने दर्शन दिया है, और प्रसंग कहाँ पहुँचा था कि ए तो तहकिक हुआ धनी है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे खोज लेऊं इन पर। जब ऐसी वीरान रेगिस्तान में रक्षा करने वाला कोई मिला तो देवचंद्र जी के लिए डूबते को तिनके का सहारा था, और यहाँ तो केवल तिनका नहीं, राज्य ने पूरी नाव दे दी थी। अब उनके मन में ये निश्चय हो गया कि मैं जिसकी खोज के लिए निकला हूँ वह मेरी रक्षा के लिए पल पल प्रति पल प्रत्येक कदम पर तैयार है, इसलिए मैं उनको खोज कर ही रहूँगा, कोई भी बाधाएं मुझे रोक नहीं सकती है। और इतना दृढ़ निश्चय करके वो आगे बढ़ते हैं, जिन सिपाहियों के पीछे पीछे, सिपाही अर्थात जो बाराती थे, जिन बारातियों के पीछे पीछे घर से निकले थे, अब उनके पास जाते हैं। जब वहाँ गए तो सैनिकों ने रोका, रोक करके नाम इत्यादि पूछा, पूछने पर पता चला कि ये तो अपने ही गांव के हैं, तो अपने सरदार के पास लेकर के गए। अब सरदार को तो पता था, वजीर को तो पता था, क्योंकि पहले मिल चुके थे, पहचानते थे देवचंद्र जी को,
तो उनको पूछ लिया कि तुम यहाँ तक कैसे आए, हम तो सभी घोड़े पर सवार होकर के पूरी रात यात्रा किए हैं तब पहुँचे हैं, तो तुम पैदल कैसे पहुँचे। अब उनके जीवन में तो ये चमत्कारिक लीला ही घटित हुई थी। सामान्य मनुष्य क्या करता है, स्वयं की प्रतिष्ठा की चाहत में हमेशा रहता है, तो कहीं कोई ऐसी बात मिली तो वो बढ़ा चढ़ा करके भी प्रस्तुत करने के लिए तैयार होता है। कई कहीं कोई संयोग भी यदि हो गया तब भी वो अपनी प्रतिष्ठा के लिए बातों को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करता है कि नहीं, मेरे साथ तो ऐसी घटना घटित हुई है, देवचंद्र जी के साथ इतनी बड़ी घटना घटी लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया कि नहीं, मैं तो आप लोगों के पीछे पीछे पैदल पैदल आया हूँ। जबकि यदि वो सच बोलते वहाँ पर कि नहीं, मुझे परमात्मा की शक्ति ने यहाँ तक पहुँचाया है, ऐसे ऐसे दर्शन दिया है, सब लोग मान लेते, क्योंकि देवचंद्र जी जिस गति से वहाँ तक पहुँचे हैं घोड़े के पीछे पीछे, एक 16 वर्ष की उम्र में लगभग 120 किलोमीटर की यात्रा, वो भी रात रात भर में, तो ये चमत्कार ही था। लेकिन देवचंद्र जी ने इस बात को छिपाए रखा और अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जो कायस्थ सरदार थे उन्होंने कहा कि आपको हमारे साथ भोजन करना पड़ेगा, खाने की व्यवस्था हमारे तरफ से ही रहेगी। देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो स्वयं के हाथ का पकाया हुआ ही खाता हूँ। देखिए, लगभग 450 वर्ष पहले जातिवाद जहाँ अपनी चरम पर था, उस समय देवचंद्र जी को कोई सिखाने वाला नहीं है, और उन्होंने जो स्वयं के हाथ से बना हुआ भोजन खाने का निर्णय लिया है, इसके पीछे देवचंद्र जी के मन में कोई जातिगत भेद नहीं है, लेकिन उन्होंने नियम बना रखा है कि नहीं, मैं खुद का पकाया हुआ खाऊंगा। तो वो जो सरदार थे, सरदार कहते हैं कि देखो, आप जिस बिरादरी से आते हो मैं भी उसी बिरादरी का हूँ, यदि आप हमारे हाथ का बनाया हुआ नहीं खा सकते तो कम से कम हमारे रसोई में से अनाज आप ले लीजिए। देवचंद्र जी उसके लिए भी मना करते हैं पहले तो कि नहीं, मेरे पास तो सारा सामान है, लेकिन जब उन पर दबाव दिया जाता है तो स्वीकार कर लेते हैं और अनाज लेकर के भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद अब भोग लगाना है तो किसको लगाएं, इससे पहले तो उनके पास कोई आधार भी नहीं था, लेकिन अब रास्ते में जिस स्वरूप ने दर्शन दिया सिपाही के वेश में, उन्हीं को याद करके भोजन ग्रहण करते हैं। भोग क्यों लगाया जाता है, भोजन से पहले भोग क्यों लगाया जाता है या जयकारा क्यों लगाया जाता है, किसी को पता है इसका कारण? इसका कारण है समर्पण का भाव। एक सनातन परंपरा में एक उक्ति प्रचलित है, कहते हैं त्वदेव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, कि आपका दिया हुआ आप ही को अर्पण करते हैं। जिस परमात्मा की कृपा से हमें सरलतापूर्वक सुलभतापूर्वक भोजन उपलब्ध हुआ है उसको धन्यवाद देना, यह वास्तव में भोग लगाना। परमात्मा को आपके द्वारा दिए गए भोग से, भोजन से कोई लेना देना नहीं, वो भाव का भूखा है, वो प्रेम का भूखा है, लेकिन एक चिन्ह के रूप में हम जैसा रूखा सूखा हमारे पास उपलब्ध है उस परमात्मा को आंख बंद करके याद करते हैं और फिर हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये भोग लगाना हुआ, तो जिस स्वरूप का दर्शन हुआ था उसी को याद करते हैं और प्रसाद लेते हैं, भोजन लेते हैं, क्योंकि पूरी रात चले हैं तो भोजन करके थोड़ी देर आराम करते हैं। उसके बाद अब वो जो सरदार थे, कायस्थ सरदार, वो पहले अपने लोगों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आपकी जो ऊँट की सवारी है, ऊँट गाड़ी है, उसमें कितने लोग सवार हैं। तो कहते हैं कि हम 4 लोग हैं ऊँट पर, 2 ऊँट है, 2 ऊँट में 4 लोग जा रहे हैं। तो सरदार कहते हैं कि ये 5वां बालक है, इनको भी शामिल कर लो। अब उस ऊँट पर सवार होकर के देवचंद्र जी यात्रा करके कच्छ पहुँचते हैं।
अब कच्छ पहुंचे हैं, यहां से बाराती अलग हो जाते हैं क्योंकि वो तो शादी में आए थे, और देवचंद्र जी क्यों आए हैं? खोज करने के लिए, परमात्मा की खोज करने के लिए, आध्यात्मिक तत्व, आत्म तत्व की खोज करने के लिए। तो अब उनकी आध्यात्मिक यात्रा यहाँ से वास्तव में प्रारंभ होती है। इससे पहले तो समझ लीजिए कि रिहर्सल चल रहा था, परिश्रम कर रहे थे, पर अब वास्तव में असली खोज प्रारंभ होती है। कह रहे हैं कि अब कहूँ कच्छ देश की, पहुँचे आप आए जित, तहाँ आए खोज करी सो बताऊँ इत। कच्छ देश पहुंच करके देवचंद्र जी ने जो खोज की उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले वो एक मंदिर में जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद वो ज्ञान चर्चा के लिए पूछते हैं कि यहाँ पर कोई है जो ज्ञान की चर्चा करता है? तो क्या जवाब मिलता है कि देखो, ज्ञान की जरूरत तो वहाँ पड़ती है जहाँ किसी को खोजना हो, कुछ जानना हो। जिस परमात्मा के लिए ज्ञान चर्चा की जाती है, यहाँ तो साक्षात विराजमान है, ऐसा कह करके वो मूर्ति की तरफ दिखा देते हैं कि देखो ये यही तो परमात्मा है। अब चूंकि देवचंद्र जी इससे पहले 5 वर्षों तक मूर्ति की परिक्रमा करते आए थे, इसलिए उनके मन में मूर्ति के प्रति विश्वास नहीं है। और वास्तविकता क्या है? हमारे सनातन मत में, या जिसको पौराणिक हिंदू समाज कहा जाता है, उसमें एक प्रचलन है मूर्ति पूजा का। और मूर्ति पूजा कैसी? या तो मिट्टी से कोई आकृति बनाई जाती है, पत्थर से कोई आकृति बनाई जाती है, या लकड़ी की भी बनाई जाती है। उसको किसी मंदिर में एक नियत तिथि के दिन उसकी पधरावनी की जाती है, और उस पर कोई पंडित अथवा ब्राह्मण आकर के कहते हैं वेद मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है मूर्ति में प्राण डालना। इसका तात्पर्य यह है कि वो जो विद्वान हैं या पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यदि एक पत्थर में प्राण डाल सकते हैं, फिर तो वे परमात्मा के समकक्ष हुए। क्या उनके घर में कोई व्यक्ति मृतक हो जाए तो उस मृतक में पुनः प्राण डाला जा सकता है? नहीं डाल सकते। तो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की बात जो है, वेद में कोई ऐसे मंत्र नहीं है जो प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं। वेद तो क्या कहते हैं? न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यस। उस परमात्मा की किसी भी प्रकार की प्रतिमा नहीं है। अब मूर्ति पूजा की पुष्टि के लिए कुछ लोग एक तर्क देते हैं। तर्क क्या कहूं मैं इसको? कुतर्क कहता हूं। आप सभी बुद्धिजीवी हैं तो बुद्धि के पट खोल करके सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। एक दृष्टांत दिया जाता है कि देखो, अगर मूर्ति में शक्ति नहीं होती तो एकलव्य ने किस तरह से मूर्ति के द्वारा धनुर्विद्या सीखी थी। सही है? तर्क सही लग रहा है आपको? मैं इसमें प्रश्न करता हूं कि एकलव्य को मूर्ति की कृपा से धनुर्विद्या आई या निरंतर अभ्यास से? हाँ जी, निरंतर अभ्यास से। और मूर्ति पूजा का तो दुष्परिणाम हुआ, उसके साथ बुरा हुआ। बिना मूर्ति के अगर वो अभ्यास करता तो अंगूठा नहीं काटना पड़ता। एक मूर्ति को आधार बनाया और जिसके कारण आचार्य द्रोण ने उसका अंगूठा मांग लिया। तो ये केवल एक कथानक है। मूर्ति पूजा का जो प्रारंभ हुआ भारतवर्ष में, जैनियों ने किया। भिन्न भिन्न जो तीर्थंकर हुए उनकी मूर्तियां बनाई गई।
जैनियों की देखा देखी फिर हिंदुओं ने भी किया, बौद्धों ने भी किया, सभी ने अपने अपने आराध्य की अथवा अपने अपने तीर्थंकरों की मूर्तियां बनानी प्रारंभ की अथवा गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनानी प्रारंभ की। और धीरे धीरे ये जो परंपरा चली ये एक प्रथा बन गई और प्रथा ऐसे की कुप्रथा बन गई। अफगानिस्तान से मोहम्मद गजनवी आता है, बारंबार हमला करता है भारतवर्ष पर। मोहम्मद बिन कासिम आता है, कभी तैमूर लंग आता है, ये सभी भारतवर्ष पर हमला करते हैं। इन सब के हमला करने का कारण क्या था? मूर्ति पूजा। हमारी पुस्तकालय में एक पुस्तक है, उसका नाम है भारत की अवनति के सात कारण। अवनति मतलब पतन। भारत की अवनति के सात कारणों में से एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो था मूर्ति पूजा। इसी तरह से एक और साहित्य है जिसका नाम है भारत में मूर्ति पूजा, जहाँ तक मुझे याद है स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी हुई है, उसको आप एक बार पढ़ करके देखें। एक तरफ हमारा हिंदू समाज ये कहता है कि वो भागवत को मानता है, वो गीता को मानता है। भागवत का कथन क्या है कि जो एक चेतन परमात्मा को छोड़कर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी अथवा तीन गुणों से बने हुए, पंच तत्वों से बने हुए मूर्ति की पूजा करता है, वह पशुओं में भी पशु का बोझा ढोने वाले गधे के समान है। ये भागवत में लिखा है, ये मेरा व्यक्तिगत कथन नहीं है। भागवत किसने लिखा? आप तो मानते हो कि व्यास जी ने लिखा, तो व्यास जी मूर्ति की खंडनी क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि देखिए, जो जिसका चिंतन करता है, जो जिसकी पूजा करता है, उसमें उसके गुण आते हैं। साधक में साध्य के गुण आना स्वाभाविक है। जब जड़ का चिंतन होगा तो बुद्धि में जड़ता आएगी, यदि चेतन का चिंतन होगा तो बुद्धि में चैतन्यता आएगी। हमारी जो परंपरा है वेद, दर्शन, उपनिषद की परंपरा, ये क्या सिखाते हैं? अष्टांग योग के द्वारा ध्यान की प्रक्रिया सिखाते हैं। आप पूरे गीता को पढ़ जाइए, आप 6 दर्शन पढ़िए, 11 उपनिषद पढ़िए, 4 वेद पढ़िए, ये सभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान, भक्ति, श्रद्धा, समर्पण की बात सिखाते हैं। मूर्ति पूजा की बात कोई नहीं सिखाता है। मूर्ति पूजा तो पौराणिकों ने चलाई हुई है। और दूसरी बात, कौन सी मूर्ति की पूजा करें? सोचिए कि हमारा हिंदू समाज जिस परमात्मा ने चेतन मूर्तियां बनाई, चेतन मूर्ति मतलब मनुष्य, किसके द्वारा बनाई गई मूर्तियां हैं? परमात्मा के द्वारा बनाई गई मूर्तियां, और उसके साथ तो वो घृणा का व्यवहार करता है। कहीं जाति के नाम पर भेद हो रहा है, कहीं वर्ण के नाम पर भेद हो रहा है, कहीं पर संप्रदाय के नाम पर भेदभाव हो रहा है, तो जो मूर्तियां परमात्मा ने बनाई उसका तो वो अपमान करता है, और मानव के द्वारा बनाई गई जड़ मूर्ति की वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके पूजता है। तो इस समाज का पतन नहीं होगा तो क्या होगा? मंदिर होने चाहिए, मैं मंदिर की खंडनी नहीं कर रहा हूं, मंदिर होने चाहिए, पर मंदिर ज्ञान के केंद्र होने चाहिए थे। जब मोहम्मद गजनवी आता है, सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में पड़ता है समुद्र के किनारे पर, सोमनाथ के मंदिर में उस समय क्या था, अंध परंपरा चल रही थी। वहां पर पंडितों ने फिजिक्स का प्रयोग करके, भौतिक विज्ञान का प्रयोग करके एक मूर्ति को हवा में लटका रखा था चुंबकों के प्रयोग से, और सब लोग क्या मानते थे कि देखो ये भगवान का चमत्कार है। और गजनवी आता है, उस पर अपने गदे का प्रहार करता है और मूर्तियों को तोड़ देता है, और उस मंदिर के तहखाने में इतना अधिक सोना चांदी जवाहरात भरा हुआ था कि इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ के मंदिर से जो पहली लूट हुई थी तो 1300 गधों, खच्चरों और ऊँटों पर भर करके हीरे, जवाहरात, सोने इत्यादि अफगानिस्तान ले जाया गया।
तो उस समय परमात्मा ने रक्षा क्यों नहीं की? और उसी जगह पर यदि गीता के आदेश का पालन किया होता, धर्मशास्त्र के आदेश का पालन किया होता कि अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तर, ये मेरा हाथ ही भगवान है, या फिर कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था धर्म के लिए युद्ध करने की कि हतो वा प्राप्य से स्वर्गम जित्वा वा भोक्षे से महिम, जिस तरह कृष्ण जी ने प्रेरित किया था उस समय एक कोई चाणक्य जैसा विद्वान होता, एक कोई कृष्ण जी की तरह उपदेष्टा होते, एक वीर व्यक्ति भी वहां तैयार होता तो किसी की क्या मजाल थी कि अफगानिस्तान से आकर के भारतवर्ष की इस किसी एक मंदिर को लूटते। लेकिन धोखा किसने किया, गद्दारी किसने की? सोमनाथ के ही मंदिर के पुजारी का लड़का था, वहीं की एक देवदासी पर वो मुग्ध था। अब देवदासी कौन है? ये भी मूर्ति पूजा की एक उपज है। मूर्ति बना करके रख दी गई और उस समय लोगों में ये मान्यता थी कि किसी घर से एक कुंवारी कन्या को समर्पित कर देना है। किसके नाम पर? परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर। भगवान को कुंवारी कन्या क्यों चाहिए? मनोरंजन करना होता था पंडो पुजारियों का, और भगवान के नाम पर वहां सुंदर सुंदर स्त्रियों को रखा जाता था। और हाँ, वे देवदासियां शादी नहीं कर सकती थी। अब उसको जो पुजारी था, पुजारी के लड़के को किसी एक देवदासी से मोह हो गया, उससे वो शादी करना चाहता था। उसने सोचा कि ये जो परंपरा अगर रही तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। और उसी ने गजनवी की जो सेना थी उसको भेद बता दिया इस शर्त पर कि यदि तुम जीत गए तो मुझे वो देवदासी सौंप दोगे। एक लड़की के लिए उसने गद्दारी की और उसने ये भेद दे दिया कि यहाँ पर जो सोमनाथ के मंदिर में ध्वजा झंडा जो है जो हमेशा लहराता रहता है, यदि वो झंडा गिराया जाए तो हिंदू जो सैनिक है वो सोचेंगे कि देवता हमसे नाराज हो गए हैं और वो हथियार डाल देंगे अथवा हिम्मत हार जाएंगे। और जो मुस्लिम सेना थी उन्होंने अपने तीरंदाज के द्वारा बाण का प्रहार करके उस झंडे को गिरा दिया गया। और अंदर ही अंदर हिंदू सैनिकों में ये अफवाह फैला दी गई कि देखो झंडा गिर गया है, भगवान नाराज हैं। ये कहाँ पर लिखा है कि परमात्मा का आशीर्वाद झंडे के वशीभूत है, एक कपड़े के वशीभूत है? लेकिन ये सब अंध परंपराएं किसकी देन है? जड़ पूजा की देन। हमें पूजा किसकी करनी है? चेतन परमात्मा की। आपके घर में जो चेतन देवी देवता हैं, जिनको हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, उनकी आप पूजा कीजिए। पूजा का तात्पर्य उनके साथ यथा योग्य व्यवहार कीजिए। आपके हृदय धाम में जो परमात्मा विराजमान है, परमात्मा कहाँ है? कबीर जी क्या कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसी बात को गीता में कृष्ण जी क्या कहते हैं, हे अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी के हृदय में है और मनुष्य कहाँ खोजता है? भिन्न भिन्न मंदिरों में, कहीं किस मूर्ति में ढूंढ रहा है आज, कल किसी और मूर्ति में ढूंढ रहा है। और हिंदू समाज का पतन होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है, यदि मंदिर जड़ मंदिर न हो करके, मूर्ति पूजा की जगह न हो करके मंदिर ज्ञान के मंदिर होते, मंदिर में प्रवचन होता, उपदेश किए जाते, तो आज हिंदुओं की ये हालत नहीं होती। आज भी जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में जो पंडे पुजारी रहते हैं उनका ज़्यादातर काम किस क्या रहता है कि पांच समय आरती करनी है, भोग लगाना है, उसके अलावा आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान के सोने का समय निश्चित होता है, पर्दा किया जाता है और सबकी देखा देखी हमारे मंदिरों में भी ये परंपरा चली है। जो सबको खिलाता है हम उसे खिलाने की बात करते हैं। निद्रा कहाँ से आती है? निद्रा किसकी उपज है? तमोगुण की। परमात्मा तामसी है, तमोगुणी है, वो तो त्रिगुणातीत है ना, और हमने उसको सुलाना शुरू किया।
भक्त दर्शन के लिए जाते हैं तो पुजारी जी रोक देते हैं कि देखो अभी परमात्मा सो रहा है। अच्छा वही सो गया तो ब्रह्मांड का क्या होगा, है ना? और पुजारी जी की कृपा से परमात्मा जागेंगे, पुजारी जी खिलाएंगे तो परमात्मा खाएंगे, पुजारी जी सुलाएंगे तो परमात्मा सोएंगे, उठाएंगे तो उठेंगे। ये परमात्मा है? किसी एक व्यक्ति के हाथ की कठपुतली परमात्मा कैसे हो सकता है? देखिए ये सारी चीजें जो है ये सोचने समझने की क्षमता आती है ज्ञान से, विवेक से। और जो जिनकी बुद्धि जड़ पूजा कर करके जड़ हो गई है वो इस बात में भी कहीं ना कहीं कुतर्क का प्रयास करेंगे। यहाँ कुतर्क की आवश्यकता नहीं है, शांतिपूर्वक चिंतन करें। एक बार उपनिषदों को थोड़ा पढ़ कर देखें, दर्शन पढ़ करके देखें। अच्छा इतना ही नहीं, इतना नहीं पढ़ सकते यदि आपकी बुद्धि काम नहीं करती है इतनी ज़्यादा, तो गीता पढ़ करके देखें। पूरी गीता में कहीं पर यदि मूर्ति पूजा की बात की गई है तो फिर सभी मान लेंगे। गीता में तो पुरुषार्थ की बात की गई है, गीता में योग की बात की गई है, गीता का प्रत्येक अध्याय किसी न किसी योग से जुड़ा हुआ है कि नहीं? कहीं सांख्य योग की बात कर रहे हैं, कहीं कर्म योग की बात कर रहे हैं, कहीं राजयोग की बात कर रहे हैं। मूर्ति पूजा कहाँ से आ गई? राजयोग का किसी को पता नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन सब से विमुख हो चुके हैं और हिंदू समाज जाता है और विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बना रखी है। कई मूर्तियां तो ऐसी है देवी देवता इतने सुंदर रहे होंगे अपने समय में और उनकी मूर्तियां इतनी भद्दी बना रखी है, सोचिए कि हिंदू समाज कहाँ जा रहा है। कृष्ण जी कितने सुंदर रहे होंगे आपको पता है? कृष्ण जी के सौंदर्य का जब वर्णन करते, अभी मैंने सौंदर्य का नाम लिया मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए केवल कल्पना करके। कृष्ण जी की सुंदरता के विषय में बात करते हुए चाहे सूरदास हो, चाहे रसखान हो, चाहे मीरा हो, ये सभी जितने भक्त हैं वो लिखते हैं कि उनके सौंदर्य पे करोड़ों कामदेव का जो सौंदर्य है वो फीका है। आपने कहीं ना कहीं साहित्य में सुना होगा ऐसा, कामदेव को सबसे सुंदर बताया जाता है और करोड़ों कामदेव के कामदेव का जो सौंदर्य है वो कृष्ण जी के सौंदर्य के सामने फीका है ऐसा कहा जाता है। और उनकी मूर्ति आप जगन्नाथ जाकर के देख लीजिए, वहाँ मूर्ति देखेंगे तो बच्चे तो डर जाएंगे, ऐसी मूर्ति बना रखी है। श्री राम का सौंदर्य कैसा होगा? तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति है, आपने शायद भजन के रूप में सुना होगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, उसकी अंतिम पंक्ति क्या कहती है पता है? वहां एक अलंकार का प्रयोग हुआ है और वो अलंकार कैसा है तो उपमा अलंकार ही, लेकिन उपमा अलंकार को भी उन्होंने भिन्न रूप में प्रयोग किया। कहते हैं रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, राम की छवि के समान, राम के सौंदर्य के समान किसका सौंदर्य है? तो कहते हैं राम का ही सौंदर्य है, कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं है। ऐसे सुंदर रहे होंगे महापुरुष हमारे देवी देवता और इनकी ऐसी ऐसी भद्दी मूर्तियाँ बनाई जाती है। और चलिए जो महापुरुष हुए समाज में उनकी मूर्तियाँ बनाई जाए और उनके गुणों को याद किया जाए वहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन कई मूर्तियाँ तो ऐसी है, कई देवी देवता तो ऐसे हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी कहीं नहीं है। मैं गुजरात की तरफ कहीं जाता हूँ तो वहाँ बहुत सारे ऐसे मूर्ति मिलते हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर मिलते हैं, कहीं पर लिखा रहता है आई श्री खोड़ियार, है ना, माता जी गुजरात से आई, आपको पता होगा हर गाड़ी के पीछे लिखा मिलता है खोड़ियार देवी, ठीक है। इसी तरह से आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर तुलजा भवानी की बात आती है, ठीक है। आप बंगाल की तरफ चले जाएंगे वहाँ कामाख्या देवी की बात आती है, हरिद्वार में आप जाएंगे तो मनसा देवी का वर्णन आता है। ऐसे ही बहुत सारे देवी देवता हैं जिनका वर्णन पुराणों में भी नहीं है, निराधार है। और इसका कारण क्या है? देखिए देवी कहते हैं जिसके अंदर दिव्य गुण हो, और देवता भी वही है, पुल्लिंग में देवता और स्त्रीलिंग में देवी कहा जाता है जिसमें दिव्य गुण हो। हमारे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न समय में
ऐसे महापुरुषों का आगमन होता रहा है। और वास्तव में होता क्या है कि जब बात एक कान से दूसरे कान में फिर तीसरे तक बात पहुंचती है तो कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा करके पहुंचाई जाती है। हम सब ने बचपन में एक खेल खेला होगा, लाइन लगाई जाती है या सर्कल में लोगों को खड़ा किया जाता है, उनके कान में कोई बात कही जाती है, फिर वो सामने वाले के कान में कहता है और वो अपने से आगे वाले के कान तक वो बात पहुंचाता है, और ऐसे करते करते वापस घूम करके पहले वाले के पास बात आती है तो उसकी हंसी छूट जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके कहने की आदत तो हमारे समाज में है ही। तो जिस समय में कोई अच्छे गुणों वाला व्यक्ति हुआ होगा उसके गुणों को पहले तो बढ़ा चढ़ा करके कह दिया गया। सोचिए महाभारत के समय में बर्बरिक कौन था? बर्बरिक तो आप जानते हैं ना, भीम का पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच का पुत्र, हाँ जी वही तो है ना बर्बरिक। उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास तीन तीर थे, तीन बाण थे, और वो उन बाणों के आधार पर महाभारत का परिणाम बदल सकता था। और उसने ये वचन लिया था कि जो सेना हारेगी मैं उस तरफ से युद्ध करूंगा। अब पांडवों का विजय कराने के लिए कृष्ण जी ने उसका वध किया, तो क्या उसके बाद इतने सैकड़ों वर्षों में, 5000 वर्ष हुए महाभारत को समाप्त हुए, कहीं पर बर्बरिक की पूजा हुई? नहीं। लेकिन धीरे धीरे आज मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम कौन है? वही बर्बरिक। ठीक है, जिनका वर्णन 4 वेद, 6 दर्शन, 11 उपनिषद में कहीं पर भी नहीं है, न महाभारत में ही उनको भगवान के जगह पर पूजे जाने का वर्णन है, कहीं नहीं है। लोगों ने काल्पनिक कथाएं बनाई और यहाँ तक कि महाभारत में भी बहुत सारी मिलावटें कर डाली। देखिए, बिना मिलावट का यदि कोई ग्रंथ हमारे सामने है तो वो है वेद। महाभारत में तो इतनी मिलावट है, राजा भोज के समय में सबसे पहले जब महाभारत लिखी गई उसका नाम ही आपको पता नहीं होगा कईयों को। तो महाभारत का वास्तविक नाम महाभारत ही नहीं है, इसका वास्तविक नाम है जय संहिता, जिसमें सबसे पहले 17,000 श्लोक थे। राजा भोज के समय में उसमें 23,000 श्लोक हो गए थे, 17 से 23, 6,000 श्लोक जोड़े गए, और उस समय उसका नाम पड़ा भारत। वर्तमान समय में इसका नाम है महाभारत और इसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। तो सोचिए 17,000 से 1,00,000 मतलब कितना गुना ज़्यादा हो गया? लगभग लगभग 6 गुना ज़्यादा। सोचिए कितनी मिलावट होंगी। तो इस तरह से कर कर के अपने अपने सिद्धांतों की पुष्टि में धर्म ग्रंथों में या ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलावट की गई, और यहाँ से ऐसी ऐसी प्रथाओं का प्रचलन पड़ा है। और यदि आपको गहराई से धर्म के तत्व को जानना है तो आवश्यकता किस बात की है कि भारत भर में या पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं या जितने भी धार्मिक स्थान हैं उसको ज्ञान का स्थान बनाया जाए। मैं यहाँ तक भी कहता हूँ, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले उस मंदिर में हनुमान जी के गुणों को बताया जाए। जहाँ कहीं भी राम हनुमान जी या राम जानकी की कहीं पर भी पूजा होती है तो वहाँ कम से कम वाल्मीकि रामायण पढ़ाया तो जाए। किसी ने वाल्मीकि रामायण खोल करके देखा भी नहीं, पहला श्लोक भी याद नहीं होगा, और स्वयं को राम का भक्त होने का दावा अगर करें तो वो कैसा भक्त, उसको भगवान के बारे में तो पता ही नहीं है। आपके भगवान के बारे में समाज में ही ऐसी ऐसी भ्रांतियाँ, ऐसी ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित है जो रामायण में कहीं लिखी नहीं है, और आप मानते हुए चले हैं तो आप कैसे भक्त? आप रामायण के आधार पर कभी कहते हो कि देखो राम ने शंभुक का वध किया था और उसका वध करने का कारण क्या था? क्योंकि वो शूद्र था और शूद्र होकर के तप कर रहा था। फिर आप कहोगे कि राम ने ऐसा किया था, हिंदू मानते हैं कई हिंदू इस बात को, लेकिन वास्तविकता क्या है?
किसी को पता ही नहीं। वास्तविकता ये है कि रामायण में 6 कांड हैं, 7वां कांड जो है जिसको कहते हैं उत्तरकांड जोड़ा हुआ है, और उस उत्तरकांड में जबरदस्ती मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की कथा घुसाई गई है। जबकि कोई भी ग्रंथ पूर्णाहुति के बाद आगे नहीं लिखा जाता है। छठे कांड के अंतिम श्लोक में ही वाल्मीकि जी ने उसकी फलश्रुति बता दी गई है, लेकिन 7वां कांड जोड़ा गया जिसमें ये झूठी मूठी कहानियां प्रचलित की गई, चाहे वो शंबुक वध की हो, चाहे वो सीता का परित्याग की हो, ऐसी कहानियां जोड़ी गई और आज हिंदुओं को पता ही नहीं है। इसके लिए चाहिए कि सभी लोग अध्ययन करें। जहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा होती है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर महाभारत पढ़ाया जाए, वहाँ पर गीता पढ़ाई जाए। महाभारत में श्री कृष्ण जी का चरित्र कितना उज्ज्वल है, उसको पढ़ाया जाए तो गुणों को जानेंगे। मूर्ति की पूजा करने से किसी को कुछ भी नहीं होगा। और आज हिंदू समाज के जो बच्चे, विशेष रूप से बच्चे और युवा, इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि हमारे जो मंदिर हैं वो ज्ञान के मंदिर नहीं थे। आज मान लीजिए कि आप सब तो ज्ञानपीठ में आए हैं, आपका सौभाग्य है कि आप जान पा रहे हैं। यदि आप अपने घरों में होते, बाई चांस आप किसी कॉन्वेंट स्कूल में जाते, वहाँ पर आपको जीसस और मरियम के बारे में बताया जाता, वहाँ आपको बाइबल के बारे में बताया जाता, और आप ही के जो महापुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनकी बुराई की जाती, आपके पास क्या उत्तर होता? क्योंकि आपके माता पिता के पास कोई उत्तर है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी खोल करके नहीं देखा धर्म ग्रंथों को। तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, फिर आप मानने लग जाएंगे कि जो इन्होंने कहा है वो सच है, क्योंकि माता पिता भी इस बात को मानते हैं कि जैसे हनुमान जी बंदर थे, है ना, या गणेश जी के गर्दन पे हाथी का सिर लगा था, ऐसी ऐसी बातें आप मानने लग जाएंगे। और जब इस बात की खंडनी होगी, आज का मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ बच्चा ये पूछ ले अपने पेरेंट्स से कि पिताजी आप ये बताइए कि जब ऑपरेशन होना होता है आज के इस उन्नत युग में भी, तो सबसे पहले ब्लड चेक किया जाता है कि ब्लड ग्रुप एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं, मैच करते हैं कि नहीं करते, ठीक है, यहाँ तक कि डीएनए वगैरह भी देखा जाता है। तो न ब्लड ग्रुप देखा गया, न डीएनए देखा गया, किसी का सिर किसी के धड़ पर जोड़ रहे हैं, ये कैसे फिट हो सकता है? और जब हाथी का सिर जोड़ा जा सकता है तो गणेश जी का पहले वाला सिर क्यों नहीं जोड़ सकते, है कि नहीं? ऐसे ऐसे जब प्रश्न पूछे जाएंगे आप क्या जवाब देंगे? तो इन सब का उत्तर कैसे मिलेगा? स्वाध्याय से, पढ़ने से मिलेगा कि ये आलंकारिक वर्णन है। इसलिए मैं समस्त हिंदू समाज से ये आग्रह करता हूँ, आज ही नहीं, इससे पहले भी जहाँ जहाँ पर मैं जाता रहा हूँ या भविष्य में भी जहाँ जहाँ जाऊँगा, मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमारे जितने भी मंदिर हैं वे सभी ज्ञान के केंद्र बने। वहाँ जितने भी पुजारी हैं, जितने भी पंडित हैं, उनकी न्यूनतम योग्यता घोषित की जाए। सोचिए कि जिनके हाथ में हम अपनी मुक्ति का टिकट दे रहे हैं, है कि नहीं? साधारण लोग तो यही मानते हैं ना कि इनकी कृपा से मुक्ति होगी, तो कम से कम उनकी न्यूनतम योग्यता तो जांची जाए ना। कम से कम चलिए मान लीजिए कि चारों वेद नहीं पढ़ सकते, तो कम से कम गीता पढ़ा हुआ वो व्यक्ति हो, प्रतिदिन आसपास के लोगों को बुला करके गीता का उपदेश करे, या प्रतिदिन नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक बार सभी लोग उपस्थित हों, गीता को सुने, महाभारत सुने, वाल्मीकि कृत रामायण सुने, और अधिक गहराई में जाएं तो दर्शन उपनिषदों को सुने। इससे क्या होगा? हिंदू समाज अपनी कुरीतियों को जानेगा, अंधविश्वासों को समझेगा, और धर्म तथा आध्यात्मिकता की वास्तविकता को भी समझेगा। तो देवचंद्र जी जब गए मंदिर में, प्रवेश किया, वहाँ पूछा कि यहाँ ज्ञान चर्चा होती है कि नहीं, उनको मना किया गया, कहते हैं यहाँ तो साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं, ज्ञान चर्चा की आवश्यकता क्या है? और वहाँ उनका मन नहीं माना, क्योंकि पहले 5 वर्ष तक तो वो यही करते आए थे, कोई परिणाम नहीं हुआ। तो वहाँ से वो निकले और किसके पास गए? श्री लालदास जी कहते हैं, आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी, आम पूजे तिनको आवे खलक सारी। सन्यासियों के पास गए,
और वो कैसे सन्यासी थे? डिंबधारी अर्थात आडंबरधारी। सन्यासी और आडंबर दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा होना चाहिए, पर यहां दोनों साथ साथ में चल रहे। सन्यासी किसे कहते हैं आपको पता है? सम उपसर्ग ही इसका अर्थ होता है अच्छी प्रकार से, सम्यक। और न्यासी का अर्थ होता है छोड़ने वाला, जिसने अच्छी तरह से छोड़ दिया है। अच्छी तरह से मतलब समझ करके। किसको छोड़ा? संसार को, उसको कहते हैं सन्यासी। सामान्य रूप में तीनों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, तीनों आश्रमों में शिखा रखी जाती है, चोटी रखी जाती है और जनेऊ पहना जाता है। पर जब वो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है तो अब न जनेऊ उसको पहनना पड़ता है, न चोटी रखनी पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि सन्यासी को जो चोटी और जनेऊ है वो विद्यार्थी का प्रतीक है। शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवितम च तन्मयम्। शिखा और यज्ञोपवीत जो है वो ज्ञानमयी है, और जो सन्यासी बन गया है इसका तात्पर्य है कि अब उसको उस विषय में सारा ज्ञान हो गया है। इसलिए सन्यासी की तो गरिमा इतनी ज़्यादा होती थी किसी समय में कि उस वक्त का अगर चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो सन्यासी के आने पर सम्राट भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता था और सन्यासी को अपने सिंहासन पर बैठाता था। भले ही वह ना बैठे वो अलग बात है, पर अपना सिंहासन उनको ऑफर करता था, प्रस्तुत करता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों ने वो सेवा देखी कि सन्यासी बनने पर देखो इतना सम्मान मिलता है, तो अयोग्य व्यक्ति भी सन्यास लेने लग गए। क्या देखने लग गए? कि इसमें तो कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई एफर्ट ही नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे लोग सन्यासी बने जिनमें सन्यास की योग्यता नहीं थी, जिनमें सन्यासी के लक्षण नहीं थे। सन्यासी के बहुत कठोर नियम होते हैं। एक सन्यासी दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण कर सकता है। एक सन्यासी को स्त्री का स्पर्श करने की भी अनुमति नहीं होती है। एक सन्यासी किसी भी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रह सकता, या बहुत विपरीत परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, तो फिर उससे ज़्यादा ठहरने की अनुमति होती है। और एक सन्यासी को बिना ज्ञान का उपदेश दिए भिक्षा लेने की भी अनुमति नहीं होती है। जीवन कैसे गुजारना है? भिक्षा से। और भिक्षा भी तब उस सन्यासी ग्रहण कर सकता है जब उस व्यक्ति के पास या उस घर में जाकर के कुछ ज्ञान का उपदेश दे। और आज क्या हुआ? श्री प्राणनाथ जी की वाणी कहते हैं कि सतगुरु क्यों पाइए कुली में, भेखे बिगाड़ियो वैराग। आज वेशभूषा केवल बाह्य वेशभूषा धारी जो सन्यासी हुए हैं उन्होंने सन्यासी की मर्यादा को बिगाड़ दिया है, साधुओं की मर्यादा को बिगाड़ दिया है। आज वैसे तो मुझे किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहिए, पर क्योंकि बाध्यता है, बिना उदाहरण के लोग समझेंगे भी नहीं। लेकिन आज चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे रामपाल हो, ऐसे ऐसे जो लोग, और ऐसे ही नहीं, एक दो ही नहीं, सैकड़ों ऐसे साधु संत हैं हमारे समाज में जिन्होंने सन्यास की गरिमा को कलंकित किया है। यदि सभी लोग जो न्यूनतम योग्यता है उसके आधार पर सन्यासी बने होते तो आज देश की हालत कुछ और होती, हिंदुओं की हालत कुछ और होती। लेकिन आज तो सन्यासी इसीलिए सन्यासी बन रहे क्योंकि सन्यास मत में चढ़ावा आता है, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, लोग पूजते हैं। गुण वाले सन्यासी बहुत कम मिलते हैं। तो यहां पर भी क्या कहते हैं, आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी, आम पूजे तिन को। आम मतलब जो साधारण जनता है वो उन सन्यासियों की पूजा करती थी। क्यों पूजती थी? केवल ये देख करके कि ये सन्यासी हैं। आज भी हमारे देश में जो साधारण जनता है उनके मन में सन्यासी के लिए बहुत अधिक श्रद्धा है। सच्चे सन्यासी के लिए होना भी चाहिए,
क्योंकि सोचिए जिन कुछ नियमों का मैंने आपके सामने वर्णन किया, हम में से कोई भी व्यक्ति एक महीने के लिए भी पालन नहीं कर सकता है, और उन्होंने तो पूरे जीवन भर उसे पालने का संकल्प लिया होता है। तो इसलिए उनके त्याग का सम्मान होना आवश्यक है। पर आज के सन्यासी कैसे हैं, केवल वेशभूषा पहन लेते हैं, भगवे कपड़े पहन लेते हैं। आज आप हरिद्वार जाइए, प्रयागराज जाइए, नासिक जाइए, जहाँ जहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं या जहाँ कहीं भी कोई तीर्थ स्थान है वहाँ जाएंगे, तो ज़्यादातर लोग भगवे कपड़े पहन करके गांजा भांग के नशे में डूबे होते हैं। और दोष किसको देते हैं कि शिव जी भी तो पीते थे। अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, और कांवड़ यात्रा में जितने लोग होंगे वो कहीं ना कहीं भगवा वस्त्र पहने होते हैं। कुछ न कुछ एक न एक ऐसा अंश होगा जो भगवा होगा। और अधिकांश लोगों को मैं देखता हूँ, मैं हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से देखता हूँ, तो अधिकांश लोगों की आंखें नशे की वजह से लाल होती है, छोटी छोटी बातों पे हुड़दंगा मचाते हैं, दंगे करते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है, ये बताने वाला कोई नहीं है कि शिव जी गांजा भांग का नशा नहीं करते, उनके अंदर तो ध्यान का नशा है। जैसे नशा किया हुआ व्यक्ति बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं रखता, इसी तरह से वो ध्यान में इतना डूबे हुए हैं कि जैसे कोई गांजा या भांग के नशे में होता है। शिव जी वास्तव में नशा क्यों करेंगे? और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि औषधि के रूप में प्रयोग किया हो, क्योंकि इन सब में औषधीय गुण भी तो होता है ना। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसका केवल नकारात्मक ही प्रभाव हो, जहर से भी औषधियाँ बनती है। तो हो सकता है कि औषधि के रूप में उन्होंने प्रयोग किया हो, पर आम लोगों को उसका नकल करने की क्या ज़रूरत है? यदि नकल करनी है फिर हलाहल विष की नकल करके भी देखो, आपसे फिनाइल हजम नहीं होता है कि नहीं? तो इसलिए उनका नकल करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सब बाहरी नकल करके वेशभूषा के आधार पर केवल आडंबर जो फैल रहा है समाज में, तो ऐसे ही आडंबरधारी सन्यासी थे जिनके पास देवचंद्र जी पहुँचते हैं। जब देवचंद्र जी वहाँ जा कर के पूछने लग गए परमात्मा के बारे में, तो कहते हैं कि कहें जानत है सब हम, कहते हैं हम सब जानते हैं, हम सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ कौन है? इस ब्रह्मांड में कोई सर्वज्ञ हो सकता है? इस ब्रह्मांड में कोई सर्वज्ञ नहीं है, केवल एक परमात्मा है जो सर्वज्ञ है, जो सभी गुरुओं का भी गुरु है। स एष पूर्वेषां गुरुणाम अपि गुरु कालेनावच्छेदात्, तो वही सबका गुरु है, वही सर्वज्ञ है। तो अब वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं, और चर्चा किसकी करते हैं? परमात्मा की चर्चा नहीं करते, वो चर्चा करते थे दत्तात्रेय जी की। दत्तात्रेय कौन है? दत्तात्रेय एक ऋषि हुए जिनके बारे में ये बात प्रचलित है कि उन्होंने 24 गुरु किए थे। ये बहुत अच्छी बात है, चाहे 24 हो चाहे 240 हो, उससे संख्या से फर्क नहीं पड़ता है, पर उन्होंने गुरु किए इस गुण से फर्क पड़ता है। उन्होंने गुरु कैसे किए? दत्तात्रेय जी के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जिस जिस से जो कुछ सीखा सबको गुरु बनाया। अभी कुछ दिन पहले हमने गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया है ना, तो यहाँ गुरु का तात्पर्य कौन है? जो कुछ सिखाए, जो ज्ञान देने वाले गुरु थे सामान्य रूप से, उनको तो गुरु माना ही। यहाँ तक कि दत्तात्रेय जी ने अजगर को भी गुरु माना, एक वेश्या को भी गुरु माना, बिच्छू को भी गुरु माना, चींटी को भी गुरु माना, सबसे कुछ ना कुछ सीखा। अजगर से वो देखते हैं कि ये तो भोजन के लिए इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है। वो एक संत है ना मलुका, वो क्या कहते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाताराम। तो अजगर खाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करता है। तो दत्तात्रेय जी के मन में ये भाव आया होगा कि देखो जैसे ये खाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, एक सन्यासी को भी खाने के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, अपने लक्ष्य के पीछे पड़ना चाहिए। बिच्छू को देखा उन्होंने, बिच्छू का स्वभाव क्या है? डंक मारना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितने प्यार से पाल रहे हैं, वो आपको डंक ही मारेगा।
तो अपना स्वभाव जो मनुष्य का स्वभाव है सहजता सरलता का धार्मिकता का वो न छोड़ने की शिक्षा उन्होंने बिच्छू से ली। वेश्या से उन्होंने क्या सीखा? एक वेश्या थी, रात के समय में अपने प्रेमी की प्रतीक्षा कर रही थी। और कैसे प्रतीक्षा कर रही थी? पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तड़प के साथ, प्रेमी आ नहीं रहा था। तो दत्तात्रेय जी के मन में ये भाव आया होगा कि देखो, एक साधारण वेश्या अपने प्रेमी को इतने लगन के साथ याद करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है, और वो प्रतीक्षा क्यों कर रही है? केवल विषय वासना की पूर्ति के लिए। और वो जो प्रेमी है वो आ ही नहीं रहा है। और यदि हम भी विषय वासना के पीछे भागेंगे या वासना की पूर्ति के पीछे भागेंगे तो दुख ही दुख होना है। तो ये सारी शिक्षा उन्होंने ली। चींटी कभी भी हार नहीं मानती है, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ती रहती है। अगर उसको ऊपर जाना है तो चढ़ के ही दम लेगी। तो इस तरह से निरंतर प्रयास करने की प्रवृत्ति। तो जिससे जो कुछ भी सीखा उन्होंने उसको गुरु माना, और इसीलिए वो अनुकरणीय है। तो उनकी वो कथा किया करते थे, इसके अलावा और कोई परमात्मा की वो कथा नहीं करते थे। तो देवचंद्र जी को अब वहाँ भी शांति नहीं मिली, वहाँ भी उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो वहाँ से आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों तक उन सन्यासियों के संपर्क में रहने के बाद अब वहाँ से आगे बढ़े। कहते हैं, कोई एक दिन तहाँ रहे फिर चले जागा, और बड़े डिम्भ कन फटे चले गए तीन ठौर। अब वहाँ किसी और साधुओं के पास जाते हैं। कैसे संत थे वो? कान फाड़ने वाले। कान फाड़ने का तात्पर्य कान में बड़े बड़े छेद करने वाले। अब कान में छेद करने से क्या मिल जाएगा? परमात्मा की प्राप्ति होगी? सभी लड़कियां छिदवाती हैं कान, तो है कि नहीं? सबको मिल जाने चाहिए थे। बहुत सारे लड़के भी छिदवाते हैं। और कान छिदवाने में कोई बुराई भी नहीं है। बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप चिकित्सा शास्त्र के दृष्टिकोण से देखते हैं, एक्यूप्रेशर के एक्यूपंक्चर के दृष्टि से देखते हैं, तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर का बहुत अच्छा कोई पॉइंट होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कान में छेद करते हैं उनको उस एक्यूप्रेशर का लाभ मिलता है। तो कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन उसको धर्म का चिन्ह समझ लेना कि कान छिदवाने से धार्मिकता होगी, तो वो भ्रम है फिर। और ऐसे भ्रम की शुरुआत कहीं ना कहीं कैसे होती है? अज्ञानता के कारण। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया है आडंबर के प्रारंभ के बारे में, शुरुआत के बारे में। कहते हैं कि एक राज्य में राजा ने ये घोषणा करवा दी थी कि जो चोरी करेगा उसकी नाक काट ली जाएगी। अब नाक काटना दो रूपों में सजा है, एक तो नाक नहीं रही और दूसरा सबको पता चलेगा ना, नाक तो सामने दिखती है, क्योंकि उस समय शायद मास्क की खोज नहीं हुई होगी, कोरोना नहीं आया था ना, तो अब सबको पता चल जाता, पूरे जीवन भर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती। तो नियम तो उन्होंने बहुत अच्छा रखा सोच समझ करके। लेकिन एक कहावत कही जाती है कि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड कहते हैं ना, पुरानी आदत जल्दी से छूटती नहीं है। एक चोर ने सोचा कि मैं चोरी करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, चोरी की, लेकिन संयोग से पकड़ा गया और उसको सजा क्या मिली? नाक कटवाने की। उसकी नाक काट दी गई तो अब चोर क्या सोचता है? इस राज्य में रहूंगा तो सब लोग जानेंगे कि मैं चोर हूं, इसलिए अब वो अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चला जाता है। लेकिन ऐसे ही नहीं जाता, अब वो पूरी तैयारी के साथ जाता है। पहले तो वो कुछ महीनों तक जंगल में बिताता है, जंगल में अपनी दाढ़ी वाड़ी थोड़ी बड़ी कर लेता है। उसके बाद एक गांव के पास में जाकर के रहता है, गांव में अंदर प्रवेश नहीं करता है, बस गांव और जंगल के किनारे पर वो अपनी छोटी सी एक झोपड़ी बना करके वहां रहता है। अब गांव के लोग देखते हैं कि कोई साधु आए हैं, क्योंकि वेशभूषा से हम लोग देखते हैं ना, तो वेशभूषा से लगता है कि कोई साधु आए हैं, दाढ़ी भी बढ़ा रखी है, तो गांव के लोगों को लगता है कि चलो इनकी सेवा कर दी जाए। सेवा करते हैं। दो दोस्त थे
जो उस चोर की, नकटे चोर की वो सेवा करते हैं। अब कुछ दिन बीता, एक दो दिन तक तो सेवा की, उसके बाद जिज्ञासावश पूछ लिया कि महाराज जी ये आपके नाक को क्या हुआ। अब वो थोड़ी बोलेगा कि चोरी की थी और काट दी। तो चोर कहता है कि अब तो साधु बना है, खैर वो कहता है कि देखो ये जो नाक है ना, मेरे और परमात्मा के बीच में आ रहा था, इसलिए मैंने नाक काट दी और मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। ठीक है, तो उन दोनों दोस्तों को क्या लगा कि नाक काटने से परमात्मा मिल जाए तो सौदा सस्ता है ना, केवल नाक ही तो काटना है और जन्म जन्मांतरों के चक्कर से मुक्ति। इसीलिए उन्होंने कहा गुरुदेव हमें भी मुक्ति दे दीजिए, हमें भी परमात्मा का दर्शन करना है, हमारा भी नाक काट दीजिए। तो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है, अब क्योंकि एक्टिंग भी तो ढंग से करनी है ना, तो कहते हैं ऐसे नहीं होता है, सही मुहूर्त पर करेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, एक तेज धार वाली छुरी लानी है और एक एक रका भी लेके आनी है। रका भी समझते हैं, छोटी सी प्लेट होती है ना जिस पर वो चाय की कप रख करके चाय पीते हैं, उसको कहते हैं रका भी। तो कहते हैं कि वो क्यों, नाक के नीचे रखने के लिए, खून कपड़े में ना लगे इसलिए। तो अब एक निश्चित समय था, उस दिन वो लोग आए चाकू और रका भी लेकर के। पहले कहते हैं कि एक को बाहर बैठाते हैं, दूसरे को अंदर बुलाते हैं। अंदर बुला करके अब उसके नाक के नीचे वही प्लेट रख करके नाक वो काट देता है और कान में मंत्र देता है। मंत्र क्या देता है, कहता है कटी हुई जो नाक है ना वो तो वापस नहीं आएगी, इसलिए कहो कि मुझे परमात्मा दिख रहे हैं वरना जग हसाई होगी तुम्हारी। जग हसाई मतलब सब लोग चिढ़ाएंगे। अब वो सोचा कि अरे फंस गया मैं तो, अब मैं क्यों फंसूं अकेले, है कि नहीं, क्योंकि इंसान अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है कि नहीं। तो इसलिए उसने सोचा कि मेरी अकेले की नाक कटी तो गांव वाले चिढ़ाएंगे, इससे अच्छा ये कि दूसरे की भी कटवा देते हैं। वो अब कहने लगता है कि हाँ मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। दूसरे की बारी आई, दूसरे को भी उसने उसी तरह से नकटा बना दिया। अब दोनों दोस्त फंस गए, अब गांव वाले पूछें तो क्या जवाब दें, ये तो नहीं कह सकते कि हम बेवकूफ बने। इसलिए उन्होंने गांव वालों के सामने क्या कहा कि नाक काटने की वजह से हमें परमात्मा दिख रहे हैं। अब पूरा गांव धीरे धीरे जाने लगा और सबको उसी एक ही मंत्र से उसने नकटा बना दिया। अब उसने नकटे लोगों का संप्रदाय प्रारंभ कर दिया, नया संप्रदाय चल पड़ा, नया धर्म चल पड़ा, नया सिद्धांत चल पड़ा, जिस संप्रदाय में सभी लोग नाक कटवाते रहे हैं। अब ये बात धीरे धीरे उस राज्य के राजा तक पहुंची। राजा ने सोचा कि हम भी तो दर्शन करें परमात्मा का, मंत्री से बात करने लग गए। एक बुजुर्ग मंत्री थे, थोड़े पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, उनसे बात की तो कहते हैं कि मंत्रीवर क्या करें, देखो पूरा देश नकटा हो गया है परमात्मा का दर्शन करने के लिए, तो हम भी दर्शन कर लेते हैं। मंत्रीवर ने कहा कि महाराज देखिए इतने वर्ष हो गए, ये जो दाढ़ी है वो धूप में सफ़ेद तो नहीं हुई, अनुभव से ही सफ़ेद हुए, और मेरे इतने वर्षों का अनुभव है कि मैंने किसी भी धर्म ग्रंथ में नाक काट के परमात्मा का दर्शन करने की बात नहीं पढ़ी है। हाँ इतना तो सुना है मैंने, इतना तो गीता में पढ़ा है कि नाक के अग्र भाग में ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, और वो बात सच है, क्योंकि नाक के अग्र भाग में का मतलब क्या है, श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर, सांस आ रही है जा रही है, उस पर नियमित रूप से ध्यान करने से मन एकाग्र होता है, पर काटने की बात तो मैंने नहीं सुनी। राजा कहते हैं कि इतने सारे लोग फिर बेवकूफ थोड़ी हैं, मंत्री सोचते हैं कि भीड़ को देख करके भीड़ के पीछे चलना भी बुद्धिमत्ता नहीं है। राजा को कहते हैं कि महाराज देखिए मैं तो बूढ़ा हूं, अगर कुछ अनहोनी भी होती है, अगर ये बात झूठी भी होती है, तब भी मैं बिना नाक के 3-4 वर्ष ज्यादा से ज्यादा जी लूंगा, लेकिन आप तो अभी युवा हैं, जवान हैं, आपको अभी बहुत लंबे समय तक शासन करना है, तो इससे अच्छा ये है
कि पहले मैं अपनी नाक कटवाता हूँ और उसके बाद अगर मुझे दर्शन हुआ तो आप भी कर लेना, अगर नहीं हुआ तो सैनिकों को हम साथ में लेके चलते हैं, इन सबको पकड़ लिया जाएगा। राजा कहते हैं ठीक है। अब निश्चित दिन, अब जो सदगुरु थे नकटे सदगुरु, उनके पास बात पहुंचाई गई कि सम्राट जो है वो परमात्मा का दर्शन करने आ रहे हैं। अब वो फुल कॉन्फिडेंस में सोचता है कि इस एक मंत्र से मैंने पूरे राज्य को नकटा बना दिया है, तो ये दो लोग कौन सी खेत की मूली हैं। उसको पता ही नहीं था कि अब फंसने वाला है। अब राजा और मंत्री आए, जैसे सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की थी उसने और बनाया भी था, वैसे ही अब मंत्री वर बेचारे बुजुर्ग, उनकी नाक काट दी गई, खून की धारा बह निकली, दर्द तो हुआ, कान में मंत्र बोला वही वाला। तो मंत्री वर ने सम्राट से कहा कि सम्राट ऐसी ऐसी बात है, अब सैनिक तो आए ही हुए थे, तो सैनिकों ने अब सभी लोगों को उस सरदार के साथ में, नकटों के सरदार के साथ सब लोगों को जेल में डाल दिया गया और उनको उम्र कैद की सजा हुई, ताकि वो जो वायरस था पाखंड का, आडंबर का, वो दूसरों तक न पहुंचने पाए। इस तरह से आडंबर की शुरुआत होती है, इस तरह से अंधविश्वास की शुरुआत होती है। एक की देखा देखी दूसरे लोग करते हैं। देखिए, एक होता है धर्म अध्यात्म और दूसरा है आडंबर अथवा अंधविश्वास। कहते हैं कि एक पीढ़ी का जो आडंबर है दूसरे पीढ़ी की अंधविश्वास बन जाती है, एक पीढ़ी का आडंबर दूसरे पीढ़ी की अंधविश्वास बन जाती है। तो इस तरह से विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न प्रकार के वेशभूषा और पद्धतियों का चलन चला था। और वहाँ कान फटे हुए साधुओं के पास देवचंद्र जी पहुँचते हैं, उनको वहाँ पर राजगुरु कहा जाता था। ये भी किसके गुरु थे? वहाँ के राजा के गुरु थे। और जब जहाँ पर कोई गुरु ऐसा हो जिसको राजा मानता हो तो जनता भी मानेगी, क्योंकि दुनिया तो भीड़ को देख करके चलती है ना, भीड़ की तरफ, भेड़ चाल से चलती है। वाणी क्या कहती है? चींटी हार ऊंट कतार, है ना, तो भेड़ चाल चलने वाली थी, तो ज़्यादातर जनता उनको मानती थी। और देवचंद्र जी अब उनके पास पहुँचते हैं, कुछ दिन तक वहाँ रहे। अब वहाँ भी धर्म की चर्चा वो नहीं करते, पहले जिन सन्यासियों के पास गए थे उसी तरह से वो भी ज्ञान चर्चा नहीं करते। वहाँ से देवचंद्र जी अब निकलते हैं और निकल करके कहाँ पहुँचे? कापालिकों के पास। फिर वैरागी कापड़ी रहे कोई एक दिन। कापालिक जिसको अघोरी भी कहा जाता है ना, ऐसे लोगों के पास भी गए ज्ञान की खोज के लिए। अब कापालिक कौन होता है? कपाल कहते हैं सिर को। तो ऐसे अघोरी जो तामसिक तप करते हैं, तीन प्रकार के तप हैं, ठीक है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो ये तामसिक तप करते हैं और उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा घिनौनी हरकत वो कर सकते हैं इतना वो सोचते हैं कि हमने मन को जीत लिया है, क्योंकि बिना मन को जीते हम ये काम नहीं कर सकते, ऐसा उनका विश्वास होता है। इसलिए वो जैसे सड़ी हुई जो दुर्गंध आ रही लाश को खाते हैं। कईयों के बारे में तो यहाँ तक भी सुना है कि यदि उनको मनुष्य की भी लाश मिल जाए तो उसको भी खाते हैं, इंसान की खोपड़ी में वो खाना खाते हैं, गंदगी में रहते हैं। उनको क्या लगता है कि ऐसा करने से हम अपने मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेंगे, जबकि होता इसका उल्टा है। मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करते आप, ऐसे साधुओं के पास जा करके यदि उनकी बात नहीं मानते हैं तो उनके हाथ में चिमटा होता है या फिर भाला या त्रिशूल होता है, वो उठा करके मारने के लिए तैयार होते हैं, गंदी गंदी गालियां देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मन को वश में करना नहीं है, है वो मन के ही वशीभूत, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि हमने मन को जीत लिया है। लेकिन देवचंद्र जी इस बात को समझ गए, वहाँ भी उनको कुछ नहीं मिला तो उन कापालिकों की संगति से भी उठ करके अब आगे बढ़ते हैं धर्म की खोज में। कई दिन हो गए, महीने बीत गए, लेकिन उनको अभी शांति नहीं मिली है। अब वहाँ से उनको लगा कि क्यों ना मस्जिद में जाके देखा जाए,
कि वो भी धार्मिक जगह है, वो भी वहाँ पर भी धर्म की बात होती होगी, कोई तो शायद बताता होगा। तो मस्जिद में एक मौलवी की सोहबत की उन्होंने, एक मौलवी की संगत की, लेकिन वहाँ पर भी देखा कि ये लोग भी बाह्य आडंबर ही करते हैं, ज्ञान की कोई बात नहीं करता है। कुछ कर्मकांड जैसे मुसलमानों में 5 बातें जो प्रसिद्ध है, कलमा, नमाज, जक़ात, रोज़ा, हज, तो यही सब उन्होंने देखा कि ये इसको मानते हैं। कलमा का मतलब क्या होता है, वो सुबह सुबह जो आवाज़ आती है ना सबको बुलाने के लिए, ला इल्लाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फिर नमाज जो प्रार्थना होती है जो सभी लोग इकट्ठा होकर के मस्जिद में जा कर के पढ़ते हैं। जक़ात किसको कहते हैं, जक़ात का अर्थ होता है दान देना, अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, 40वां हिस्सा कहा जाता है, 2.5% या 2.5% समझ लीजिए, उतना दान देना अनिवार्य होता है, तो वो जक़ात कहते हैं। और इसी तरह से रोज़ा का मतलब क्या होता है, रमज़ान के महीने में वो पूरे दिन भर उपवास करते हैं। और हज का तात्पर्य है, वो कहते हैं कि जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीने की यात्रा करनी, जैसे हिंदुओं में तीर्थ यात्रा होती है तो वैसे ही तीर्थ यात्रा हो गई रोज़ा। जैसे हिंदू उपवास करते हैं व्रत के नाम पर, उसको कहा गया रोज़ा। और हम जैसे दान करते हैं तो उसको वो कहते हैं जकात, और पूजा पाठ प्रार्थना इत्यादि को कलमा और नमाज कहते हैं। हाँ, पद्धति प्रक्रिया भाषा थोड़ी भिन्न भिन्न है, पर लगभग लगभग एक जैसी भी है। तो वहाँ पर भी देवचंद्र जी को बाह्य चीज़ें ही देखने को मिली, तो वहाँ से भी निकलते हैं, लगभग लगभग 10-15 दिन तक रहे और वहाँ से निकल करके कुछ ब्राह्मणों के पास गए। वहाँ भी ज्ञान चर्चा की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिला, और अंत में कच्छ में खोज करते 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 अब पहुँचते हैं भोजनगर, जिसको आज हम भुज के नाम से भी जानते हैं। अब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक भक्त रहते थे, उनका नाम था हरिदास। हरिदास जी राधा वल्लभ संप्रदाय के मानने वाले थे। राधा वल्लभ का तात्पर्य क्या है, वल्लभाचार्य मार्ग भी कहते हैं, कुछ लोग पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ये कौन होते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं। अब जब उनके पास गए तो उन्होंने देखा कि ये बांके बिहारी और बाल मुकुंद जी की सेवा करते हैं। अभी ज्ञान चर्चा की बात नहीं हो रही है, लेकिन देवचंद्र जी ने देखा कि ये सेवा करते हैं और सच्चे दिल से सेवा करते हैं। कुछ दिनों तक रह करके उन्होंने देखा कि ये जो सेवा कर रहे हैं, जैसे सामान्य मनुष्य सेवा करेगा तो कैसे करेगा, अपनी सुविधा के अनुरूप सेवा करता है ना, भक्ति कैसे करता है इंसान, अपनी सुविधा के हिसाब से ही तो डालने की कोशिश करता है ना। इसको मैं एक दृष्टांत से समझाता हूँ, ठीक है, कि इंसान धर्म के हिसाब से नहीं चलता है, धर्म को अपने हिसाब से चलाता है। जैसे आप सभी यहाँ पर हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपको आपके सामने 2 मूर्ति दिखती है, एक मूर्ति राम की है और एक मूर्ति रावण की है। आपके पास एक विकल्प है कि आपको एक ही मूर्ति उठानी है, तो आप कौन सी मूर्ति उठाएंगे, हाँ जी कौन सी मूर्ति लेके जाएंगे घर पे, राम की ले जाएंगे ना, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि राम भगवान है, ऐसा ही सोचेंगे। लेकिन वहीं अगर राम की मूर्ति मिट्टी की हो और रावण की मूर्ति सोने की निकली तो तब क्या करेंगे, तब रावण वाली उठाएंगे और बोलेंगे कि मूर्ति तो है ना, पहले वो भगवान थे जब मिट्टी के थे दोनों, लेकिन जैसे रावण सोने का हो गया अब क्या हो गया, हम बदल गए, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति धर्म को अपने हिसाब से चलाता है, नियम को अपने हिसाब से तोड़ने मोड़ने की कोशिश करता है। हम भारत के नागरिक भी तो कानून में लूप होल्स निकालते रहते हैं ना, अलग अलग प्रकार के कानून में, कि इस कानून को ऐसे तोड़ा जा सकता है, इस कानून से ऐसे बचा जा सकता है। तो धर्म के संदर्भ में भी जो कानून कर्मकांड बने हुए हैं, लोग उसको पालने में भी अपने अपने तरीके ईजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं। पर हरिदास जी कैसे थे कि भले ही वो कर्मकांड था पर उसका वो सच्चे दिल से पालन करते थे। कैसे करते थे,
कहते हैं जब रुत आवे गर्मी की तब सेवा तीन माफक। गर्मी की ऋतु में उसी हिसाब से सेवा करते थे। अब आजकल की तरह उस समय कूलर पंखे एसी तो नहीं होते थे, तो कमरे को ठंडा करने के लिए, अपने मंदिर को ठंडा करने के लिए वो क्या करते थे, जल का छिड़काव करते थे। जो खिड़कियाँ होती थी खिड़कियों में घास फूस इत्यादि लगाया जाता था, घास फूस से ढका जाता था और वहाँ पर सुगंधित पानी छिड़का जाता था। और जब हवा उस घास फूस की जाली से पार होकर के आती थी तो जैसे आजकल कूलर में होता है ना, वैसे ही कमरा जो है वो ठंडा और सुगंधित रहता था। गर्मी में दो परेशानी होती ना ज़्यादातर, एक तो गर्मी और दूसरा उमस की वजह से दुर्गंध। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। और भोग भी लगाते थे तो ऋतु के हिसाब से उसी प्रकार का भोग लगाते थे। और जब ठंडी की ऋतु होती थी तब वो कैसा करते थे, उस कक्ष को, उस मंदिर को गर्म करने के लिए अंगीठी जलाते थे। अंगीठी का तात्पर्य जैसे आजकल की भाषा में कहा जाए तो तसला होता है, तसले में जलती हुई जो कोयले हैं, अंगारे हैं, वो सब डाल करके कमरे में रखा जाए ताकि वो कमरा गर्म रहे। और कपड़े भी गर्म वो पहनाते थे जिनको अपना आराध्य मानते थे। इस तरह से वो अपने आराध्य की, श्री कृष्ण जी की सेवा करते थे। और नियम का पालन वो इस तरह से करते थे कि जितनी बार लघु शंका के लिए जाना है, शौच इत्यादि के लिए जाना है, उतनी बार स्नान भी करते थे। स्नान करें दिन में दोए चार बखत, जब ऋत पलटे में चाहिए गर्मी शीत हो इत। चाहे ऋतु बदल रही हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, लेकिन दिन में दो चार बार तो वो सामान्य रूप से नहा ही लेते थे। अब देवचंद्र जी को क्या लगा, क्योंकि बाल मन ही है, उनको लग रहा है कि ये सच्चे दिल से सेवा करते हैं तो इसलिए मैं इनके साथ रहूँगा, इनकी सेवा करूँगा और इनसे मैं ज्ञान ग्रहण करूँगा, इनसे मैं परमात्मा के बारे में जानूँगा। तो इस तरह से अब प्रतिदिन हरिदास जी के पास आने लग गए और सेवा करने लग गए। अब ये तो देवचंद्र जी की भी तक चल रही थी। उधर मतु मेहता और कुंवर बाई जो देवचंद्र जी के माता पिता हैं वो भी तो परेशान थे, माता पिता का ही तो दिल है। तो उन्होंने जितने जानकार लोग थे उन सब तक ये खबर पहुंचाई थी कि हमारा पुत्र घर छोड़ करके निकला है। अब बातों बातों में कुछ दिनों में हरिदास जी को ये पता चल गया कि ये जो देवचंद्र हैं वो मतु मेहता जी के वही पुत्र हैं जो घर छोड़ करके निकले थे। तो मतु मेहता जी तक बात पहुंचाई गई। तो वहां से सारा व्यापार वगैरह समेट करके आते हैं भोजनगर और आकर के देवचंद्र जी को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये इस उम्र में वैरागी की तरह, भक्त की तरह रहना ठीक नहीं है, साधु संन्यासी की तरह रहना ठीक नहीं है। ये उम्र तो कैसी है, विवाह करके गृहस्थी बसाने की, संसारिक सुखों का भोग करने की, ऐसे देवचंद्र जी को समझाया जाता है। पर वे तो मानने वाले थे नहीं, घर वाले समझा समझा करके थक जाते हैं, लेकिन देवचंद्र जी माया के नज़दीक नहीं जाते हैं। वो हरिदास जी की सेवा करते हैं और कैसे करते हैं, कहते हैं हरिदास की सेवा करें मनसा वाचा कर्म। कैसे सेवा करते हैं, मन वचन और कर्म से। कर्म से सेवा तो सबको पता है ना, परिश्रम करते हैं, मान लो रोटी बनाने की सेवा है, ज्ञानपीठ में आप लोग करते हैं ना, खाना बांटने की सेवा है, खेती की सेवा है, गौशाला की सेवा है, कोई टाइपिंग की सेवा करता है, कोई वीडियो एडिटिंग की, रिकॉर्डिंग की सेवा करते हैं, अलग अलग तरह की सेवा है। तो ये तो शरीर की सेवा हो गई ना, तन की सेवा। मन से सेवा क्या होती है, कि मन में सोच रहे हम, ये मन की सेवा हो गई, ऐसा है। मन से सेवा किसको कहेंगे, देखिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो बिना मन के हो ही नहीं सकता है कि नहीं। तन से सेवा करने के लिए भी मन की आवश्यकता होती है कि नहीं। यजुर्वेद क्या कहते हैं, यस्मिन नरिते किंचन कर्म क्रियते तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। जिस मन के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा हमारा मन कल्याणकारी संकल्पों वाला हो। तो मन से सेवा का तात्पर्य है कि
हम हृदय में सेवा का भाव लाएं। जब तक हृदय में सेवा का भाव नहीं होगा तब तक शरीर भी तो नहीं लग सकता है ना। इंद्रियां किधर जाती हैं? जिधर मन जाता है। तो मन में भाव लेना ये मन की सेवा है। तन की सेवा उसके बाद आती है, और धन की सेवा का तात्पर्य तो समझते ही है ना। तो हर सेवा में तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं। तो देवचंद्र जी अब मन, वचन और कर्म से, वचन की सेवा का तात्पर्य क्या है कि जिनकी सेवा कर रहे हैं उनसे कभी भी नाराज होकर के बात नहीं करना, रुष्ट होकर के उत्तर नहीं देना, प्रेम पूर्वक बात करना, हमेशा उनके जिनकी सेवा कर रहे उनसे हमेशा सत्य बोलना, तो ये वचन की सेवा हो गई। तो इस तरह देवचंद्र जी मन, वचन, कर्म से बिना किसी संशय के हरिदास जी की सेवा करते हैं। अब हरिदास जी ने भी क्या सोचा, जैसे देवचंद्र जी को हरिदास जी सच्चे लगे, इसी तरह से हरिदास जी को भी देवचंद्र जी सच्चे लगते हैं। तो वो मन में सोचते हैं कि देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देऊं नाम सुमिरन। उन्होंने मन ही मन क्या सोचा कि मैं इनको नाम सुमिरन दूंगा। नाम सुमिरन, सुमिरन शब्द स्मरण से बना है, मतलब मैं इनको दीक्षा दूंगा जिसको वो बाद में दोहरा सकेंगे, मंत्र के रूप में स्मरण कर सकेंगे। ये सोच रहे हैं कौन? हरिदास जी। और देवचंद्र जी के पिताजी मत्तु मेहता वो सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको हम माया में डालें, और माया में डालने का साधारण मतलब क्या होता है, उनकी शादी कराई जाए। शादी कराएंगे तो क्या होगा, ये बंधन में बंध जाएंगे। तो ये हाथ आवे मेरे छूटे वैराग इनसे, यदि इनकी शादी कराई जाए तो ये हमारे हाथ में आएंगे, ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि पत्नी के वशीभूत रहेंगे। इस तरह से उनकी शादी कराने के विषय में सोचा जाता है। शादी को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में विवाह है कि नहीं? विवाह शब्द कैसे बना है पता है आपको? वि उपसर्ग है और वह धातु है। वि का अर्थ होता है विशेष रूप से, और वह का अर्थ होता है वहन करना अथवा ढोना। बोझा ढोते हैं ना, सामान उठाते हैं, उसको कहते हैं वह। तो विवाह का मतलब होता है विशेष रूप से बोझा ढोना। अब विशेष कैसे? दोनों रूपों में। आप इसको सकारात्मक रूप में भी ले सकते हैं और नकारात्मक रूप में। यदि आपके मन में केवल संसारिक क्षणिक सुख उपभोग की इच्छा है तो आप क्या करते हैं, उस गृहस्थी को बंधन के रूप में बनाते हैं। अब आपका पूरा फोकस किस में रहेगा, कमाना है, पत्नी को पालना है, बच्चों को पालना है, और उसके लिए काम करना है। तो इंसान क्या करेगा, दिन रात जानवरों की तरह मेहनत करता है, दिन रात। कई बार तो ओवर टाइम भी उसको करना पड़ता है, 8 घंटे की जगह पर 16-16 घंटे काम करना पड़ता है। तो ये सब वो क्यों कर रहा है, गृहस्थी के लिए, कि सबको सुख मिल सके, सभी लोग सुखी हो सके। लेकिन संसारिक विषयों से सुख तो किसी को मिला ही नहीं है। कपिल मुनि क्या कहते हैं सांख्य दर्शन में, कुत्र अपि को अपि न सुखी, कहीं भी कोई भी सुखी नहीं है। तो कोई व्यक्ति गृहस्थी में भी ऐसे सुखी नहीं हो सकता है केवल संसारिक विषयों के भोग से। अगर सुख चाहिए तो कैसे मिलेगा, सच्चा सुख आता है अध्यात्म से, सच्चा सुख आता है संतोष से, और संतोष का गुण कैसे आएगा, आध्यात्मिकता से। तो पहले रूप में तो बोझा ढोना हो गया। दूसरा जो अर्थ है सकारात्मक रूप में कहा जाए तो उसका अर्थ होता है जिम्मेदारी को उठाना। जिम्मेदारी उठाना कैसे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद अब उस व्यक्ति की पहले तो 2 घरों की जिम्मेदारी बन जाती है। जो पुरुष है अब उसकी जो इज्जत है वो ससुराल और अपने घर दोनों तरफ देखी जाएगी। स्त्री की भी स्त्री भी दो घरों की इज्जत मानी जाती है। तो दोनों घरों की इज्जत को संभालना एक ये जिम्मेदारी है। दूसरा, गृहस्थ आश्रम पर बाकी तीनों आश्रम टिके होते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम के जो विद्यार्थी हैं उनका पालन पोषण कौन करता है, गृहस्थी। वानप्रस्थ आश्रम के जो रिटायर्ड लोग हैं उनका पालन पोषण भी गृहस्थी करते हैं, और संन्यास आश्रम का भी पालन पोषण कौन करता है, गृहस्थी। तो तीनों आश्रमों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी। तो इस तरह से धर्म पूर्वक, त्याग पूर्वक उपभोग करना, संतोष पूर्वक उपभोग करना, तो ऐसी जिम्मेदारी जब आ जाती है तो वो कहा जाता है विवाह।
अब देवचंद्र जी को केवल मायावी विषयों में फंसाने के लिए मतु मेहता जी विवाह निश्चित कर देते हैं। अब होता क्या है कि जो तिथि विवाह की निश्चित की है मतु मेहता जी ने, वही तिथि इधर हरिदास जी ने देवचंद्र जी को दीक्षा देने के लिए किया हुआ है। और राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा देने के लिए एक नियम था, और वह नियम था एक विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण करना, जिसको भद्र वेश कहा जाता है। और भद्र वेश का तात्पर्य होता है मुंडन कर लेना, मुंडन करना, और या तो श्वेत वस्त्र पहन लेना। अब क्या हुआ कि हरिदास जी ने निश्चित किया आज का दिन जो है वो दीक्षा देनी है। देवचंद्र जी मुंडन करके आते हैं भद्र वेश होकर के, तो आने के बाद देवचंद्र जी को पूछा जाता है कि आपने पहले किसी से मंत्र लिया था? देवचंद्र जी कहते हैं कि मैंने सन्यासियों से मंत्र लिया। अब हरिदास जी कहते हैं कि देखो पहले उस मंत्र को छोड़ना होगा, और मंत्र को छोड़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक कागज में लिखना है और उसको रोटी में लपेट करके जिन संप्रदाय के लोगों से लिया था, सन्यासियों से लिया था, तो किसी सन्यासी को वो रोटी दे दो तो वो मंत्र चला जाएगा। ये भ्रांति है, क्योंकि होता क्या है, ज्ञान को आपने एक बार याद कर लिया तो आप उसको छोड़ नहीं सकते। लिखने में तो दोबारा याद होगा, है कि नहीं? जिस बच्चे को पढ़ाई याद में अगर पाठ याद नहीं होता तो क्या कराया जाता है, कहते हैं बेटा लिख करके याद करो, जल्दी याद होगा। तो लिखने में तो भूलने की जगह पर उल्टा याद होता है। पर एक परंपरा चल पड़ी, एक दूसरे की देखा देखी, तो हरिदास जी भी उसका पालन कर रहे हैं। देवचंद्र जी ने क्या जवाब दिया, कहते हैं कि गुरुवर जो तुम्हारा मंत्र जोरावर वो आप ही होवे दूर। यदि आपके मंत्र में ज़्यादा शक्ति होगी तो पहले वाला मंत्र मुझसे अपने आप ही हट जाएगा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं किसी भी हालत में उस मंत्र को त्याग नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। अब हरिदास जी ये सुनकर के प्रसन्न होते हैं कि मेरा जो शिष्य बनने जा रहा है उसमें चिंतन करने की प्रवृत्ति है, सोचने की क्षमता है, ये अंधाधुंध चलने वालों में से नहीं है। अब उनको मंत्र दिया जाता है कि भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, एह राखो तुम दिल में सुमरो कर विश्वास। क्या कहा गया कि मंत्र है भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, और देवचंद्र जी को कहते हैं कि इस मंत्र को तुम दिल में रखना, किसी को बताना मत, दिल में रखना, और विश्वास के साथ में इसको स्मरण करना, इसको दोहराना। और कैसे दोहराना, सखी भाव होए भजियो उपदेश करके एह विदा दई तीन घर को देखा मतु महते तेह। अब हरिदास जी कहते हैं कि इस मंत्र को तुम सखी भाव के साथ भजना। सखी भाव का तात्पर्य क्या है कि ये मन में भाव लेना कि तुम कृष्ण जी की गोपी हो, और उस भाव से तुम कृष्ण जी की भक्ति करना, इस मंत्र को दोहराना, और वहाँ से विदा दी, और अपने गुरु से विदा लेकर के जब घर आते हैं, देवचंद्र जी किस अवस्था में है, मुंडन किए हुए हैं, जबकि उसी दिन उनकी शादी होनी है। देवचंद्र जी को बिना बताए, सोचिए कि जिस सिर पर पाग बंधनी है, शादी का सेहरा जिसको कहा जाता है ना सामान्य बोलचाल में, तो जिस सिर पर पगड़ी बंधनी है, सजावट करनी है, उसी सिर को मुंडन किया हुआ गंजा देखेंगे तो कैसा लगेगा। तो पिताजी को तो बहुत क्रोध आया। अब उस क्रोध में भर करके पिताजी ने क्या निर्णय लिया, किस तरह से देवचंद्र जी को डांटा गया, कैसे परिस्थितियों में देवचंद्र जी की शादी कराई गई, और विवाह के पश्चात भी किस तरह से गृहस्थी के बंधन में न बंध कर केवल 3 घंटे अपने घर में रहकर 21 घंटे वो कैसे देवचंद्र जी की सेवा कर हरिदास जी की सेवा करते हैं, किस तरह से सेवा भाव से प्रसन्न होकर के हरिदास जी कृष्ण जी की जो छोटी मूर्ति है बालमुकुंजी की, वो देवचंद्र जी को देने का निर्णय करते हैं, कैसे कृष्ण जी की मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है, अंतर्ध्यान हो जाती है, और कैसे हरिदास जी को देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराई जाती है, ये सारी जो घटनाक्रम है, ये जो सारी बीतक है, उसको सुनेंगे हम कल की चर्चा में। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए।
सखी भाव होए भजियो, उपदेश करके एह विदा दई तीन घर को, देखा मतु मेहते तेह, देखा मतु मेहते। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम जी।